नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में। बिहार बाढ़ के कहर से अक्सर श्रापित रहा है, लेकिन बाढ़ के कहर से बचाव के लिए बिहार सरकार तेजी से काम कर रही है। बिहार सरकार के इस नदी जोड़ योजना से बिहार के ये चार जिले मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण को बाढ़ से राहत मिलेगी और बड़े इलाके में सिंचाई की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना पर काम थोड़ी धीमी गति से चल रहा था। जल संसाधन विभाग ने इस रिपोर्ट को देखते हुए अधिकारियों और इंजीनियरों को निर्देश दिया है कि काम के रफ्तार को तेज करें। उम्मीद है कि वर्ष 2023 तक बिहार में बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक छारी गंगा नदी जोड़ योजना का काम पूरा हो जाएगा। इस नदी जोड़ योजना का काम पूरा होने से मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण को बाढ़ से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ सिंचाई सुविधाओं का भी विकास होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना में बागमती नदी को बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए शिवहर जिला स्थित बेलवा धार योजना पर काम शुरू है। दरअसल इस वजह से शिवहर से मोतिहारी जाने वाले स्टेट हाईवे पर आवागमन भी बाधित हो जाता था। नदी जोड़ योजना से अब यह आवागमन बाधित नहीं होगा। बागमती नदी का पानी बूढ़ी गंडक में ले जाने का काम भी चल रहा है। इस नदी जोड़ योजना के द्वारा बागमती नदी के पानी को बागमती धार को पुनर्जीवित कर चैनल के दोनों ओर बांध बनाने का कार्य शुरू होगा, जिसका मकसद है बेलवा स्थित रेगुलेटर के माध्यम से बागमती नदी का पानी बूढ़ी गंडक में पहुंचाना। गंडक छारी गंगा नदी जोड़ योजना पर भी काम तेज हो गया है। आपको बता दें कि गोपालगंज शहर से गुजर रही छारी नदी एक तरफ से गंडक से मिली हुई थी। 2001 तक गंडक और छारी नदी का पानी छपरा में गंगा नदी में गिरता था। उस वक्त इस नदी की अपनी एक अलग धार्मिक मान्यता थी। उस वक्त लोग इस नदी में स्नाना ध्यान का कार्य भी करते थे और पानी का उपयोग पूजा पाठ में भी किया जाता था। व्यवसाय की दृष्टि से भी इसका प्रयोग किया जाता था। साल 2001 में गंडक नदी के उफान पर आने से शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा इस खतरे को देखते हुए स्लुइस गेट को बंद करवा दिया गया। इसके बंद होते ही गंडक नदी का पानी छारी नदी में आना बंद हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि नदी पूरी तरह से नाले में तब्दील हो चुकी थी। छारी नदी को पुनः जीवन देने के लिए स्लुइस गेट, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था, उसे फिर से खोलकर गंडक का पानी छारी नदी में गिराने की व्यवस्था हो रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।